हाय एवरीवन, मैं हूं अनु एंड वेलकम टू माय चैनल द वोगो कंपास। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने लास्ट श्रीलंका के वीडियोस पे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। बट एक और चीज़, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक द वीडियो कैन यू प्लीज गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करो यू गेट अ नोटिफिकेशन प्रॉपरली। सो अब चलते हैं अपने वीडियो के टाइटल पे, विच इज हाउ टू कवर इंडिया टू श्रीलंका इन 25,000 रुपीज। येस, दिस इज पॉसिबल। एंड इस वीडियो को मैंने सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो सबसे पहले चलते हैं एंड वील डिस्कस द फर्स्ट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज द फ्लाइट। सो अगर आप देखेंगे इंडिया से श्रीलंका की फ्लाइट्स आपको 10,000 to 12,000 के मिनिमम रेंज पे आराम से मिल जाएगी अगर आप एडवांस में बुक करते हैं एंड अगर बहुत ही सोच समझ के मंथ चूज़ करते हैं। एज यू कैन सी आपको चेन्नई से 10,000 में मिल जाएगी। एंड अगर आप वेदर की बात करें तो आई विल से श्रीलंका ओवरऑल पूरा ईयर सेम ही रहता है, उतनी ही गर्मी, उतने ही कुछ एरियाज में प्लेजेंट मौसम रहता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर टू पे, विच इज़ फ्लाइट सेट हो गया, देन यू हैव टू गेट दी वीज़ा। श्रीलंका का बेस्ट पार्ट है वीज़ा आपको विद इन 24 आवर्स हाथों हाथ मिल जाता है एंड यू हैव टू जस्ट स्पेंड अराउंड 1,500 रुपीज़ फॉर योर वीज़ा। दीज आर द लिंक्स, आई हैव अटैच्ड द लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, फिल अप योर डिटेल्स, एंटर योर पासपोर्ट डिटेल्स एंड विद इन 15 मिनट्स मुझे मेरा वीज़ा मिल गया था। सो इट वॉज वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी आई विल से रीजनेबल। फ्लाइट एंड ई वीज़ा सॉर्टेड होने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एंट्री करने के लिए श्रीलंका लिए किन किन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहली चीज़ है पासपोर्ट, दूसरा है आपका वीज़ा, थर्ड है आपका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका लिंक आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाता है, लाइक आपकी एयरलाइन एजेंसी भी आपको दे देती है, नहीं तो आपको जैसे आपको वीज़ा मिलता है उसी मेल में आपको लिंक मिल जाएगा हेल्थ डिक्लेरेशन का। वहाँ पर जाके आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है एंड यू विल गेट अ QR कोड विच यू हैव टू इवेंचुअली गिव इट टू योर एयरलाइन। एंड उसके बाद में फोर चीज़, योर RT-PCR रिपोर्ट जो विद इन 72 आवर्स के गैप में होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ योर वैक्सीन सर्टिफिकेट एंड दिस इज़ मैंडेटरी गाइज, यहाँ पे भी पूछा जाता है एंड जब श्रीलंका से वापस आ रहे हो तब भी आपका मांगा जाता है। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे ही आप कोलंबो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं आपको वहाँ पे जाके इमिग्रेशन फॉर्म भरना होगा, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाना होगा एंड इन सब के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर आ जाएंगे। बट लकीली वहाँ पर आपको टैक्सी से लेकर को करेंसी एक्सचेंज से लेकर एंड योर प्रीपेड सिम्स सब कुछ ईजिली मिल जाता है। तो आई टेल यू सबसे पहली चीज़ विच इज़ सिम। सिम आपको विद इन 750 INR में 7 GB डेटा के साथ मिल जाएगी, जिसमें आपको 500 रुपीज़ ISD कॉल्स के लिए एंड 50 रुपीज़ फॉर लोकल कॉल्स आराम से यह डेटा पैक आपको मिल जाएगा आप जैसे ही बाहर जाओगे। या फिर अपना रोमिंग पैक भी ऑन करवा सकते हो बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। वी सॉ दैट 1,500 to 2,000 रुपीज़ में आप रोमिंग ऑन कर सकते हो विथ लिमिटेड डेटा। सो वी फाउंड कि प्रीपेड सिम इज़ बेटर, सो यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी करेंसी एक्सचेंज, विच इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर एवरीवन। सो बेसिकली अगर आप करेंसी एक्सचेंज देखें तो 1 INR इक्वल्स टू 2.70 श्रीलंकन रुपीज़। सबसे पहली चीज़ तो बेस्ट पार्ट था हमारा कि हमने करेंसी एक्सचेंज इंडिया से नहीं करवाया था एंड वी हैड आर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। अगर कहीं यूज़ करना हो तो वहाँ पर आपको ईजिली जब आप ATM से विड्रॉ करते हो, आपको एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे ATMs मिलेंगे, आप विड्रॉ करते हो मिनिमम एक चार्ज के साथ आपको करेंसी आप विड्रॉ कर सकते हो श्रीलंकन रुपीज़ में। तो आपका करेंसी एक्सचेंज वाला पार्ट भी सॉर्ट हो गया। एंड दूसरी चीज़, अगर आप स्टिल एक्सचेंज करवाना चाहते हैं एंड यू डोंट गो फॉर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पर INR आपको स्पेशली एयरपोर्ट पे आपको INR कन्वर्जन नहीं मिलता है। सो अगर आपके पास USDs है तो ईजिली मिल जाएगा बट INR के साथ हमें बहुत दिक्कत हुई थी। मेन सिटी में जाके आपको काफ़ी बैंक्स होंगे जो हेल्प करेंगे और बैंक में भी ऐसे सेलन बैंक वॉज द बेस्ट बैंक फ्रॉम विच यू कैन विड्रॉ योर मनी। अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो आपका स्टिल कोलंबो का एयरपोर्ट सिटी से थोड़ा दूर है, सो दैट विल बी द हाइएस्ट कैब चार्ज यू विल बी पेइंग आउट। बट वहाँ से बहुत सारी सेवरल बसेस भी चलती है इफ़ यू वॉन्ट टू गो एंड बहुत सारे शेयरिंग कैब्स भी होते हैं। सो दैट्स अप टू यू, योर कन्वीनियंस कि आप कैसे अपने ट्रैवल करना चाहते हैं। श्रीलंका का बेस्ट पार्ट था कि वहाँ पर आपको टुक टुक मिल जाता है, ऊबर या ओला आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल
जाता है तो यू डोंट हैव टू वरी. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू गेट इंस्टॉल योर एप्स. अदरवाइज जस्ट टुक टुक पे जैसे आप मुंबई या दिल्ली में करते हो आपको वहाँ पे बार्गेन करने का भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज टुक टुक आपको हर फर्स्ट किलोमीटर का 50 rupees चार्ज करेगा, 50 Sri Lankan rupees चार्ज करेगा, बट आपको हर उसके नेक्स्ट किलोमीटर से 40 rupees चार्ज करेगा विच इज़ Sri Lankan rupees. अब चलते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में विच इज़ प्लानिंग योर आइटनरी विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज श्रीलंका वैसे तो कहने में बहुत छोटा आइलैंड लगता है बट जब आप एक्चुअली एक्सप्लोर करने जाते हो इट हैज़ सेवरल पार्ट्स एंड विद इन 7 to 10 days इट्स लिटरली डिफिकल्ट टू चूज. सो बेसिकली श्रीलंका 3 to 4 parts mile से जो मेजर जगह है यू कैन एक्सप्लोर. फर्स्ट इज़ द कोलंबो सिटी. सिंस आप वहीं पर लैंड कर रहे हो तो वन डे यू कैन गिव टू कोलंबो एंड एक्सप्लोर द सिटी. देन यू हैव सेवरल सेक्शंस विद यू. सो फर्स्ट पार्ट इज़ द सिलगेरिया एंड डैम्बुला एंड निगम्बो एरिया. इसको आप प्रॉपरली कवर कर सकते हो बट इन सब जगहों पर आपको कोलंबो से आपका ट्रैवल थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ हो जाता है. सेकेंड पार्ट है जो आप कवर कर सकते हो विच इज़ नुवारा एलिया एंड एला विच आर द हिल स्टेशंस मोस्टली एंड बहुत ही प्लेजेंट से मौसम के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेस. यू शुड डेफिनेटली गो टू नुवारा एलिया. थर्ड रीजन इज़ द याला नेशनल पार्क विच आई से इट्स अ मस्ट प्लेस. यू शुड डेफिनेटली गो टू नेशनल पार्क एंड एन्जॉय द सफारी एंड इफ़ यू आर लकी आपको लेपर्ड विद इन 15 to 20 minutes मिल जाएगा. एंड द लास्ट इज़ द साउथ श्रीलंका which consists of Gol and Mirisa and Unuvatunu and like several beaches. So, ये major 4 areas है which you can cover and definitely उससे ज़्यादा भी बहुत सारे different और दूर areas है but ये mostly है जो थोड़े पास भी है and थोड़े convenient रहते हैं. So, we chose basically Kandy, Nuvara Eliya Ela, Yala and then south of Sri Lanka which is Gol Mirisa and then came back to Colombo. That was our itinerary. मोटा मोटी बताया जाए तो 2 to 3 days आपको 2 days minimum आपको Nuvara and Ela में लग जाएंगे and Yala will take another 1 day and अगर आपको Gol Mirisa Unuvatuna अच्छे से cover करना है तो 3 days आप minimum आपको वहाँ पर देना पड़ेगा. And if you have more days you can give it to Silgeria and Dambula which will another I think 2 days आपको और लगेंगे उसको cover करने में. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ स्टेज इन श्रीलंका. तो वी चोज booking.com बिकॉज बहुत मतलब डिसेंट रिव्यूज़ मिल जाते हैं आपको एंड आई फाउंड दैट अ ट्रस्टेबल सोर्स. अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस पे जाना चाहते हैं और बजट कॉन्स्ट्रेंट है तो आप 500 to 1000 rupees में भी आपको ईजिली हॉस्टल्स मिल जाते हैं या फिर डॉम्स मिल जाएंगे आपको ईजिली. सो दैट्स अप टू यू. सो सबसे पहला हमारा स्टे था कोलंबो में एंड यहाँ पर वी स्टेड इन टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. वन वॉज मरीनो बीच होटल विच वॉज ऑन अ लग्जूरियस एंड अनदर वॉज निवासा होटल विच वॉज नॉट सो लग्जूरियस बट वेरी यूनिक एंड आर्टिस्टिक प्लेस एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट यू शुड चूज निवासा. कैंडी में वी स्टेड इन कैंडी सिटी स्टे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इन नुवारा एलिया वी स्टेड इन शेरवुड कॉटेज एंड दिस वॉज ऑल्सो अ डिसेंट स्टे. नॉट सो ग्रेट लाइक द प्लेस वॉज वेरी गुड बट आई सी द सर्विसेज वर डिसेंट इनफ. नेक्स्ट डे वॉज इन याला एंड याला में आई सजेस्ट कि एवोनिल रिजॉर्ट याला वॉज वेरी गुड. एंड उसके बाद आ जाते हैं हम मिरीसा पे एंड मिरीसा पे वी स्टेड इन मॉर्निंग स्टार एंड इट वॉज अ फुल विला एंड उसका एक बहुत ही सुंदर सा पोर्शन मिला था हमें. सो मॉर्निंग स्टार लाइक अ गुड मस्ट प्रॉपर्टी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ लग्जरी स्टेज. देन इफ़ यू गो टूवर्ड्स Unuvatunu वी स्टेड इन सी व्यू रिजॉर्ट. काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी जस्ट 100 meters पे आपका बीच था. सो या डेफिनेटली अ गुड स्टे. गोल में वी नेवर स्टेड रियली बट इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग टू स्टे इन गोल 18 faces वॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच जस्ट कॉट माई आई एंड आई वॉज लाइक कि ये तो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है बट अनफॉर्चुनेटली वी वर लिटिल शॉर्ट ऑफ डेज सो हम वहाँ पर नहीं रुके थे. अब हम चलते अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे विच इज़ दी एक्टिविटीज़ यू कैन डू इन श्रीलंका एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग विच यू कैन नॉट मिस इज़ द ट्रेन राइड. सो दिस ट्रेन राइड बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम कैंडी टू एला एंड यू कैन नॉट मिस दिस एंड यू विल विटनेस सेवरल टी गार्डन्स ऑन योर वे गेट एन एक्सपीरियंस अबाउट टी. थर्ड इज़ द वाटर स्पोर्ट्स. एज यूजल हर बीच की जरा यहाँ पर भी आपको हर टाइप के वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे इन गोल इन मिलीसा एंड इन Unuvatunu बीच. आप टर्टल स्पॉट करना है वेल वॉच करना है ये सारी एक्टिविटीज़ आप इन शॉर्ट साउथ ऑफ श्रीलंका में कर सकते हैं.
नेक्स्ट चीज जो आई डेफिनेटली रेकमेंड टू डू इज द सफारी. याला नेशनल पार्क कॉस्टेड अस अराउंड $45 एंड बट इट वॉज ऑल वर्दी. उसके बाद नेक्स्ट चीज है, अगर आपको हाइकिंग बहुत पसंद है, एला इज योर प्लेस बिकॉज टिल एडम्स पीक हो गया या एला व्यू पॉइंट आपको जाना है इन सब जगहों के लिए. इवन अगर आपको रावण केव जाना है, इन सारी जगहों के लिए आपको काफ़ी हाइक करना पड़ेगा एंड वही आपको ब्यूटिफुल माउंटेन एंड ग्रीनरी वाला व्यू मिलेगा एंड खूब सारे वाटरफॉल्स है. सो अगर आप डिवाइड करना स्टार्ट करें, आई विल टेल यू दीज आर द पॉइंटर्स. टिकट आपको 10,000 के अंदर मिल जाएगी, वीज़ा आपका 1,500 रुपीज़ में हो जाएगा, स्टे मिनिमम पर डे अगर आप 500 रुपीज़ भी स्पेंड कर रहे हो तो अप्रॉक्स 3,500 में आपके स्टेज हो जाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन एज आई सेड कि अगर आप कुछ रस्तों के लिए टुक टुक ले रहे हो, कैब ले रहे हो, बट ऑन एन एवरेज आई से आपका मैक्सिमम 5,000 में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. देन इफ़ यू टेक अ सिम इट्स अराउंड 750 रुपीज़. एंड जब आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स या प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हो, एंट्री फीस भी अगर आप देखें तो मिसलेनियस सेल से अराउंड 2,000 रुपीज़ में हो जाएगा. तो ऑन एन एवरेज दीज आर द चार्जेस जो आपके लगेंगे. एंड लास्ट थिंग इज़ द फूड. तो फूड भी आपको विद इन 3,000 to 4,000 रुपीज़ आपका हो जाना चाहिए. बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, बट आई विल से विद इन ऑन एन एवरेज 7 days के लिए 25,000 में यू कैन ईजली कवर श्रीलंका एंड विटनेस द ब्यूटी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. एंड अगर स्टिल आपको कुछ क्वेरी है जो मैं अपने वीडियो में नहीं आंसर कर पाई हूँ तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके यू कैन आस्क मी. और आई हैव ऑल्सो एन इंस्टाग्राम अकाउंट वेयर आई पर्सनली गो थ्रू एवरी मैसेजेस एंड मेक श्योर आई रिप्लाई टू देम. सो यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम पेज एंड DM मी इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर श्रीलंका ट्रिप क्वेरीज. एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड स्टे ट्यून्ड. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक एंड तब तक के लिए बाय.